हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए फिर आज जो है, आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे हिंदी यानी BHD 143 प्रेमचंद को लेंगे। और ब्लॉक वन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये ब्लॉक टू यानी खंड दो है प्रेमचंद का साहित्य टू। ठीक है, इसमें भी यूनिट 8, 9, 10 यानी पूस की राह, शतरंज के खिलाड़ी और 11 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज इसमें यूनिट 12 यानी पंच परमेश्वर या यूनिट 13 पंच परमेश्वर लेंगे, जिसमें कहानी का वाचन, व्याख्या, कहानी का विश्लेषण, मूल्यांकन। कहानी का वाचन नहीं करेंगे, पंच परमेश्वर जनरली हम लोग बचपन में भी इसको पढ़ चुके हैं, सभी को मालूम है। ठीक है ना, खाला मौसी वाली ये कहानी है आई थिंक, तो इसको वाचन नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें जो व्याख्या होगी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, और इसमें विश्लेषण और मूल्यांकन ले लेंगे। तो इस तरह से जो है आपके लिए मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, राइट। और साथ में वाचन करने में वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं वाचन जरूरी है, क्योंकि वाचन जरूरी इसलिए भी हो जाता है ना फ्रेंड्स, कि अगर आप एक बार कहानी को पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर आप इजिली दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तो ये आपका पूछ की रात चल रहा है। ओके राइट, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलिए इसकी हम शुरुआत कर देते हैं पंच परमेश्वर की। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे कहानी का मूल्यांकन और विश्लेषण आ गया, मतलब इसको थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। चलिए ये आ गया पंच परमेश्वर, कहानी का वाचन और व्याख्या। ठीक है ना, इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या बनता है, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए बन जाता है संदर्भ सहित व्याख्या। इससे क्वेश्चन 100% पूछेगा। कभी कभी कहानी का सार भी पूछ लेता है कि पंच परमेश्वर कहानी से आप क्या समझते हैं, उसका सार बताइए। ठीक है ना, या कहानी का वाचन कीजिए। वाचन का मतलब होता है कि कहानी क्या थी। ठीक है ना, और सार का मतलब होता है अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, राइट, ओके। कहानी का ये वाचन दिया हुआ है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे वो दो मित्र थे, साझे में इनकी खेती हुआ करती थी। ठीक है, एक दूसरे पर बहुत इनको विश्वास था। जब जुम्मन हज के लिए गए तो अलगू को अपना घर सौंप गए थे। अलगू जब भी बाहर जाता था तो जुम्मन पर अपना जो है जिम्मेदारी घर की छोड़ जाता था। ठीक है, खान हिंदू और मुस्लिम वाली बात थी, खान पान का व्यवहार में कोई फर्क ना था, धर्म का ना था कि ना धर्म पे भी मानते थे, केवल विचार उनके मिलते, क्योंकि सभी चीजें अलग थी, हिंदू मुस्लिम वाला मैटर था, खान पान भी उनका अलग था, सब कुछ था, लेकिन धर्म जो था वो भी अलग था, लेकिन विचार मिलते थे। और जो मूल मंत्र इस कहानी का है वो, अगर ये क्वेश्चन है तो वो है मित्रता। ठीक है ना, और मित्रता कब हुई, जब वो बालक थे, छोटे थे, शिक्षा प्राप्त लेते थे। ठीक है ना, तो इसी से उनकी क्या हुई थी, मित्रता हुई थी। ठीक है ना, तो ये पूरी कहानी है यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती, जब ये लोग बड़े हो जाते हैं तो जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी, और उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत यानी जमीन जायदाद थी, लेकिन उसके निकट संबंधी पड़ोसी कोई भी नहीं थे जो उसकी ख्याल रख सके और जायदाद को ले सके। ठीक है ना, तो जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली, और जब तक दान पत्र की दृष्टि ना हुई तब वह खाला का खूब आदर सत्कार करता था, जब तक जमीन उसके नाम ना हुई। लेकिन जैसे ही जमीन उसके नाम हो गई तो क्या हुआ, जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के भाव कड़वी बातों को तैयारी की, उसके साथ निष्ठुर व्यवहार ये लोग करने लगे, अभद्र व्यवहार करने लगे खाला के साथ में। ठीक है ना, और खाला को डेली ये बातें सुननी पड़ती थी, जैसे बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया हो, इस तरह के ताने उसको दिया करते थे। ठीक है ना, कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, जब सहा नहीं गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंधन में दखल देना उचित ना समझा, कुछ दिन तक यही रोज होकर काम चलता। एक दिन काला ने जुम्मन से कहा कि बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह जो है, मेरा काम नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, साथ नहीं चल पाएगा, तो तुम मुझे रुपया दिया करो और खाना मैं पका दिया करूंगी। ठीक है ना, तो जुम्मन ने बड़ी उसके साथ में दृष्टता के साथ में, बड़े ही गंदे उसके साथ में जवाब दिया कि रुपये क्या, यहाँ पे फलते है ही चीजें होती गई। और यहाँ पर जब बात बिगड़ गई तो यहाँ पर क्या हुआ कि खाला जो है कहाँ पहुंची, पंचायत जाने की धमकी दे दी। जुम्मन हंसता रहा, ठीक है ना, पंचायत में किसकी जीत होगी हम करके देख लेंगे, यही सब चीजें चल रही थी। कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आस पास के गाँव में दौड़ती रही, कमर झुकाकर कमान हो गई थी, और एक पग चलना भी मतलब वो थक चुकी थी, जा जाके गांव के चक्कर लगा लगा के अपनी पूरी हालाते लोगों को बता करके। ठीक है ना, लेकिन तब भी वो अपनी जिद पर अड़ी थी कि इसका निर्णय करना जरूरी है। ठीक है, तो ये कहानी है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है ना, ओके।
जब कुछ भी नहीं हुआ तो वह चारों तरफ घूम के जब थक हार गई तो वो अलगू चौधरी के पास गई जो जुम्मन का दोस्त था, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। यानी पंचायत अब उसने बुला ली थी। अलगू बोला, मुझे बुलाकर क्या करोगी, गांव के लोग तो आएंगे ही ना। तो खाला ने कहा, नहीं आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसका वो जानता था कि वो उसका पुराना मित्र है, ठीक है, उससे बिगाड़ उससे दुश्मनी नहीं कर सकता है। तो खाला बोलती है कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना कहोगे, सच आप नहीं कहोगे, सर ईमानदारी का साथ नहीं दोगे, इस तरह से हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ बहुत प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है ना। ओके, करीमन नाम था ना उसकी पत्नी का, जुम्मन की पत्नी का, ठीक है। कब्र के पाँव में लटके होना, मित्र समीप होना, ठीक है ना, मृत्यु का समीप होना। ओके, अब ये यहाँ पे पूरा चल रहा है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज हम देख देते हैं, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कहानी भी ला दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, पूरी ये कहानी है। चलिए ओके, अब ये कहानी चली रही है क्योंकि ये कहानियां है तो लंबी होती है इसीलिए। अब देखिए, पंच परमेश्वर कहानी का सार क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, पंच परमेश्वर कहानी का सार, ठीक है ना। तो इस कहानी का प्रारंभ किस वाक्य से होता है, इस वाक्य से होता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, और यह वाक्य आगे चलकर कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अलगू चौधरी जो था वो सच का साथ देता है, ठीक है ना। और जुम्मन शेख अपनी मौसी की सारी जायदाद जो अपने नाम करवा लेता है लेकिन उसकी सेवा नहीं करता है। जुम्मन की जो पत्नी थी वो उसका भी अपनी मौसी के प्रति सौतेला व्यवहार था, अच्छा व्यवहार नहीं था। मौसी ने पंचायत में अपनी बात रखने का, जब वह परेशान हो गई तो पंचायत में अपनी बात रखने का निर्णय लिया, ठीक है ना। और इस कहानी में मौसी अपने हक के लिए संघर्ष तो करती है, साथ ही उसका व्यक्तित्व बहुत ही संवेदनशील, तार्किक और नैतिक मूल्यों पर जोर देने वाला है। तो मौसी से अगर क्वेश्चन पूछता है खाला मौसी का, ठीक है ना, तो उसमें आपको संघर्षशील औरत लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका व्यक्तित्व संवेदनशील था, वो तार्किक और नैतिक मूल्यों को जोर देने वाली औरत थी, ठीक है ना। उसकी संवाद शैली बहुत ही मार्मिक थी जो दिल को छू जाती थी, ठीक है ना। पंचायत के लिए अलगू को भी मौसी ने बुला लाया था, हालांकि वो आना नहीं चाह रहा था। वो ये कह रहा था कि जो जुम्मन है वो मेरा दोस्त है, मैं उससे दुश्मनी नहीं कर सकता हूँ। तो मौसी कहती है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। अलगू के पास कोई उत्तर नहीं होता है, वह पंचायत में आता है, पंचायत में सरपंच अलगू चौधरी को ही बनाया गया। अब अलगू चौधरी अपने धर्म संकट में था कि वो सच का साथ दे, अपने दोस्त का साथ दे, ठीक है ना। और सरपंच की पद की गरिमा बचाकर मौसी के पक्ष में फैसला सुनाता है तो जुम्मन से उसकी दोस्ती टूट जाएगी यदि वो ऐसा करता है। और यदि जुम्मन के पक्ष में फैसला सुनाता है, जैसे मौसी के पक्ष में सुनाएगा तो क्या होगा, जुम्मन से दोस्ती टूट जाएगी, और जुम्मन के पक्ष में सुनाएगा तो सत्य जो न्याय को सरपंच है तो उसकी यहाँ पे पराजय होगी, हार होगी। और ग्रामीण सामाजिक मूल्यों की मर्यादा रखते हुए सत्य और न्याय के पक्ष में जुम्मन के द्वारा मौसी को माहवार खर्च देने का फैसला सुना देता है, और फैसले की सभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जुम्मन नाराज हो जाता है और बदला लेने की सोचने लगता है, ठीक है ना। यहाँ तक का ये मेन सार है अभी आपका, इतना समझ में आ गया। कहानी में आगे चलकर अलगू चौधरी के एक बैल को किसी ने जहर देकर मार दिया, जिसका शक जुम्मन पर जाता है। बचे हुए बैल को अलगू चौधरी साहू को बेच देता है, दिन रात कठोर मेहनत करवाने और बैल के चारा पानी का उचित प्रबंध ना कर पाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। बैल की कीमत अभी तक अलगू को नहीं मिली थी, ठीक है ना, उसने बेच तो दिया लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। और जिसको बेचा था उस साहू ने उससे दिन रात मेहनत करवाई, सामान वगैरह ढुलवाया, खाना उसको नहीं दिया, तो बैल की यहाँ पर मौत हो गई थी, ठीक है ना, राइट। और लगातार कहने के बावजूद भी जब साहू ने अलगू को पैसे नहीं लौटाया तो उसने पंचायत करने का निर्णय लिया, और इस पंचायत में पंच चुने गए शेख जुम्मन, और जुम्मन शेख को अपना बदला लेने का अवसर मिला, लेकिन उसने भी अलगू चौधरी की तरह पंच पद की गरिमा बरकरार रखते हुए फैसला न्याय के पक्ष में यानी अलगू चौधरी के पक्ष में किया, फिर दोनों पहले की तरह दोस्त बन गए। तो ये थी पंच परमेश्वर कहानी, ठीक है। सारांश क्या निकलता है इस कहानी का, सारांश यही है। अगर सारांश पूछते हैं तो आप क्या लिखेंगे इसमें, तो आप लिखेंगे कि पंच परमेश्वर कहानी जून 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन इसमें भी पूछे लिखेंगे सारांश में भी। यदि कहानी का उद्देश्य पूछता है कि पंच परमेश्वर कहानी का मेन उद्देश्य क्या था, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पंच परमेश्वर कहानी का मेन जो उद्देश्य था, ग्रामीण संस्कृति की विशेषताओं को दिखाना, मानवीय एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, जो
गांव की संस्कृति होती है, वो किस तरह की होती है, उसको इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। साथ ही साथ में जो मानव और नैतिक नैतिक यानी मोरल जो चीजें होती हैं, ठीक है ना, उनके मूल्यों की इस कहानी के माध्यम से स्थापना की गई है, उनको दिखाया गया है, ठीक है ना। और जुम्मन अलगू चौधरी से कहता है कि पंच के पद पर बैठकर कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सोचता है। और आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच के जुबान में खुदा बोलता है, ये जुम्मन कहता है, क्योंकि जब अलगू ने उसके खिलाफ फैसला दिया था तो वो नाराज हो गया था। जब उसे भी एक बार मौका मिला पंच के पद पे बैठने का और वो जब बैठा तो वो भी अलगू के खिलाफ फैसला नहीं सुना सका, क्योंकि वो उसका विश्वास था, उसने कहा कि पंच के जुबान में खुदा होता है। और इन पंक्तियों के साथ कहानी का समापन हो जाता है। तो कहानी का वाचन करने के उपरांत अब आप कहानी का सार बता सकते हैं, उसकी विषय वस्तु का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके राइट, ये सारांश हो गया। संदर्भ सहित व्याख्या भी आपके इसमें आती है लिखने के लिए। जैसे जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी, उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत यानी जमीन जायदाद थी, अगर ये आता है तो इसको तो आप बड़े आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ यही होगा ना कि गद्यांश प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर से उद्धृत है या पंच परमेश्वर से लिया गया है, ठीक है ना। और जुम्मन शेख की मौसी के पास थोड़ी जायदाद थी, लेकिन उसके आगे पीछे कोई सगा संबंधी नहीं था जो बूढ़ी खाला के देहांत के बाद उसकी जायदाद का बारिश बनता। तो कहानी का आरंभ और कथा की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है। पूरी कहानी इसी के ऊपर डिपेंड थी। और यहाँ पे आप व्याख्या कर दीजिए जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है, ठीक है ना, रजिस्ट्री वगैरह होने के बाद उसके उसकी बीवी के व्यवहार उसके प्रति बदल गए थे, यही सब था, ठीक है ना। विशेष तो पूछता नहीं है इसमें, इसमें विशेष नहीं पूछता, फिर भी आप देख लीजिएगा। नीचे उद्धरण की संदर्भ सहित व्याख्या करने का स्वयं प्रयास करें, चलिए करते हैं। उन्हें शिक्षा के अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। वह कहते हैं कि नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है, बस गुरु जी कृपा दृष्ट चाहिए गुरु की। और यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद पर सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो वह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी थी, विद्या उसके भाग में ना थी तो कैसे आती। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि गद्यांश प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर से ली गई है, ठीक है ना। और इसमें जो दो दोस्त है जुम्मन और अलगू हैं, उनकी शिक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा के प्रति उनका क्या रवैया था, क्या सोच थी, ठीक है ना। और इसके बाद जब ये आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, संदर्भ के साथ जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या आप कैसे करेंगे, व्याख्या के लिए आप बिल्कुल ऊपर आ जाइएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग है ना, तो जब आप बिल्कुल आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ओके सॉरी, कुछ हम लोग उस पे आ गए थे, शतरंज खिलाड़ी पे आ गए थे, ठीक है ना। व्याख्या के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो आप व्याख्या भी बहुत अच्छे से इसकी कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, ये देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्योंकि अलगू के जो पिता थे पुराने विचारों के मनुष्य थे, उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। यदि गुरु की सेवा करेंगे तो हमें शिक्षा 100% मिलेगी, हम पढ़े या ना लिखे, ये अलगू के पिता का विचार था। और वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती है, इससे कुछ नहीं होता है, गुरु के आशीर्वाद से विद्या आती है, ठीक है ना। और जब गुरु की कृपा दृष्टि बस चाहिए, गुरु की कृपा दृष्टि मिल गई तो हम पास हो जाएंगे, हमारे पास विद्या आ जाएगी। और यही जो चीज था अलगू के भी मन में था। तो अलगू और जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में उसे यथाशक्ति कोई बात, यानी कि ऐसी कोई बात थी, यानी कि गुरु की सेवा करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान मत दो, विद्या मिल जाएगी तो ठीक है, यदि नहीं मिलती है आपको तो आप ये समझ लेना कि कोई ऐसी शक्ति थी जो उसके भाग में विद्या लिखी नहीं थी और इसलिए उसे विद्या नहीं मिल पाई, ठीक है राइट। तो ये था, आप इसे देख लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह से और भी व्याख्या दिए हुए हैं। जैसे कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास रस के रसवादन पर अच्छा असर मिला, झुकी हुई कमर, पोंगला मुंह, सनके बाल, इतनी इतनी सामग्री एकत्र हो कहीं हंसी क्यों नहीं आती, सभी चीजें तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा दिया है कि अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी के काम करना पड़ता था, पूरी कानूनी आदमी था वह, ठीक है ना। और जुम्मन से जिरह शुरू की, एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ रहे थे। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो इसको एक्सप्लेन करके बस लिख देना, इसका आंसर भी नीचे दिया होगा। तो कुछ व्याख्याएं यहाँ पे दी हुई है तो आप इन्हें देख लीजिए, हो सकता है इनमें से कोई एक व्याख्या आपके लिए दे दे करने के लिए, ठीक है ना। तो संदर्भ देन उसके बाद व्याख्या आपको करनी है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं पंच परमेश्वर कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये यूनिट है।
वाले में आपसे सार पूछ सकता है कहानी का या एक व्याख्या पूछ सकता है। उस वाले यूनिट से सिर्फ दो ही क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना, शिल्प, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रतिपाद कहानी का, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, कथा वस्तु क्या है? देखिए कथा वस्तु का मतलब क्या होता है, जो कथा में लिखा गया है, ठीक है ना, किस चीज को लेकर के कथा ली गई है, ठीक है, ये कथा वस्तु कहलाती है। और जनरली आप कहानी पढ़ते हैं तो हिंदी में कथा वस्तु का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और मैंने भी बहुत आपको पढ़ाया तब तो ये आपको रट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कथा वस्तु क्या है, हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। कथा वस्तु क्या होती है, यानी एक कहानी, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, कुछ भी हो गया, ये आपकी कहानी है, ठीक है ना। तो एक कहानी के अंतर्गत जो विषय होता है, ठीक है ना, और कहानी का उसी को आधार को ले, यानी उसी विषय को आधार बनाकर एक घटना को लेकर जो कहानी लिखी जाती है उसी घटना को, उसी आधार को कथा वस्तु कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो क्या यहाँ पे हुआ कि ऐसा एक सब्जेक्ट, एक विषय होता है कहानी के अंतर्गत, उपन्यास, नाटक, इनके अंतर्गत एक विषय होता है, ठीक है ना। जो विषय होता है कहानी का उसी को आधार बनाकर एक घटना को लेकर जो कहानी लिखी जाती है उसी घटना को, उसी आधार को कथा वस्तु कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर कहानी क्या थी, जुम्मन शेख अलगू चौधरी की थी, मित्रता आधार था उनका, फिर बाद में उसमें खाला मौसी की एंट्री हुई, ठीक है ना, प्रॉपर्टी आजाद हुआ, फिर इन दोनों में बीच में कटुता आई क्योंकि पंच परमेश्वर वाली बात आ गई उसके खिलाफ। तो एक का एक मेन जो चीज थी वो मित्रता थी, और मित्रता को मेन आधार बना करके ये कहानी लिखी गई। ये टॉपिक बाय टॉपिक इसमें बहुत सारे पॉइंट आगे आते गए और लास्ट में भी मित्रता पे ही खत्म हुई, ठीक है ना। तो ये कथा वस्तु हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और ज्यादा, हाँ कथा वस्तु में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, जैसे कहानी का मध्य भाग पंचायत में दोनों मित्र हैं, ठीक है ना। तो कहानी में मुख्य घटना यही है कि जब जुम्मन के विरुद्ध मुकदमा गांव पंचायत में होता है, खाला का आरोप होता है, फिर उसमें आरोप दुरारोप होते हैं, वो अपने बचाव में कुछ कहता है, बाद में जो है कहानी का आरंभ यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। कहानी का आरंभ दोनों के मित्रता से होता है, दोनों भाईचारे के साथ में रहते हैं, फिर खाला मौसी बीच में आती है, उनको खाना पीना नहीं दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी ले जाती ली जाती है, खाला मौसी पंचायत जाने की धमकी देती हैं, अलगू को बुलाती हैं, अलगू मना कर देता है लेकिन बाद में आना पड़ता है, फिर अलगू को सरपंच बना दिया जाता है। अब वो सोच रहा था कि खाला का साथ दूंगा तो दोस्त का साथ छूट जाएगा, दोस्त का साथ दूंगा तो पंच परमेश्वर के पद पे बैठ के जो न्याय सत्य है उससे हमारी गद्दारी होगी। एट लास्ट में वो क्या करता है कि पंच परमेश्वर बनता है और पंच का, पंच की गद्दी पे बैठ के सत्य का साथ देता है। अलगू जुम्मन के खिलाफ जो है वो कुछ वो चीज रखता है कि जुम्मन को गलत यहाँ पे मानता है और जुम्मन इससे नाराज हो जाता है। ये कहानी स्टार्टिंग में होगी, फिर मध्य में हो जाती है, तो ये कथा वस्तु, फिर कहानी का अंत जाता है। किस तरह से तीन पार्ट में आप बांट दीजिए कहानी को, ठीक है, तो कथा वस्तु हो गया। चरित्र चित्रण ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। अब पंच परमेश्वर कहानी में चरित्र चित्रण का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो जो ये कहानी है वो ग्रामीण जीवन के साधारण लोगों के या रोजमर्रा यानी ग्रामीण जीवन पर केंद्रित है, ठीक है। कहाँ पे केंद्रित है? ग्रामीण जीवन के जो साधारण लोग होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी अपना करते, खेती किसानी, खाना पीना, बैल वाली सब काम करते हैं, उन पर केंद्रित है। और इस कहानी में भोले विश्वास की कथा है जो भारतीय परंपरा में प्रचलित रहा है, जो बहुत ही भोले, साधारण, सिंपल और विश्वास करने वाले लोग होते हैं, ये चरित्र चित्रण है। और ये विश्वास किया जाता है इस कहानी में कि पंचों में परमेश्वर का वास होता है, यानी भगवान का, खुदा का वास होता है, और पंच के आसन पर बैठने वाला निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, मतलब वो स्वार्थ अपना नहीं देखता है। और कहा आश्चर्य भी नहीं था कि नई कहानी तक आते आते इस भोले विश्वास का मजाक उड़ाना बहुत सामान्य हो चला। और यही नहीं, कहानी के लेखक रागेंग राघव ने पंच परमेश्वर नाम से एक कहानी लिखी जिसमें प्रेमचंद के पंचों से सर्वथा विपरीत आचरण करने वाले पंच आए हैं। तो आप यहां पर चरित्र चित्रण कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कहानी अपने चरित्रांकन के लिए याद की जाती रहेगी, यानी जुम्मन शेख और अलगू दोनों क्या थे? मित्र थे, ठीक है। ये दो पात्र हो गए, जुम्मन शेख कहानी मुक्ति अलगू चौधरी की है, इनके साथ। अब जुम्मन शेख अलगू चौधरी के साथ में कौन कौन था? जुम्मन की पत्नी और जुम्मन की बेवा खाला और समझू साहू जैसे अन्य पात्र भी थे, ठीक है, राइट। ये आपका चरित्र चित्रण में लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। और इन कहानियों का जो रचना संसार है अधिकांश छल यानी कि
छल से धोखे से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको विश्वास, निश्चलता, ठीक है ना, प्यार, निस्वार्थ भावना, ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस कहानी के साथ में, ठीक है ना। जुम्मन जो होता है वो किसी कारण से अपने रास्ते से भटक जाता है, अपनी खाला के साथ गलत व्यवहार करता है, फिर लेकिन आगे चल के उसको गलती वो स्वीकार कर लेता है और पश्चाताप की भावना के साथ वह अपने सही रास्ते पे आ जाता है जब वो अलगू के खिलाफ सही निर्णय देता है, ठीक है ना, राइट। तो सबके लिए लेखक की हैसियत से जहां मानवीय सत प्रवृत्तियों में उनकी आस्था जिम्मेदार है, वहीं गांधीवाद का हृदय परिवर्तन वाला सिद्धांत उन दिशा में गहराई से प्रभावित करता दिखाई देता है। तो ये चरित्रण आपका है। अब चरित्रण में जुम्मन को ले लीजिए, जुम्मन के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, किस तरह का व्यक्ति था, खाला के साथ उसने कैसा किया। फिर आपको यहाँ पे अलगू के बारे में थोड़ा सा ले लेना पड़ेगा, जो मेन पात्र है। चरित्रण का मतलब होता है कौन कौन से चरित्र इसमें थे, उनको किस तरह से दिखाया गया। चरित्र यानी कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कौन कौन से थे, हीरो जुम्मन और अलगू, और फिर चित्रण मतलब उनके बारे में क्या दिखाया गया, तो वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर अलगू के बारे में लिख लीजिए, दूसरा पात्र अलगू था, ठीक है, उन्हें विद्या ना आई, दोनों जुम्मन के पिता जुमराती के शिष्य थे, यानी विद्या तो उनके पास थी नहीं अलगू के पास, वो ठीक है राइट, वो खेती किसानी किया करता था, उसका मानना था कि विद्या अपने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है, गुरु पे कृपा बनाए रखो, गुरु की कृपा हम पे बनी रहेगी, गुरु की सेवा वगैरह करते रहो तो विद्या ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं आएगी तो मान लेंगे हमारे भाग में था ही नहीं, ठीक है। तो चरित्रण हो गया, ठीक है। परिवेश वेरी इंपॉर्टेंट, परिवेश का मतलब क्या होता है, वातावरण, किस समय किस काल में किस वातावरण में ये कहानी लिखी गई है, ये परिवेश कहलाता है, ठीक है ना, राइट। तो ये वर्णन पात्रों के परिचय में आया हो, परिवेश का चित्र, यानी यहाँ पे एक गांव को आप कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी इस कहानी में खाला की समस्या के प्रकट होते उसका गांव के लोगों से अपनी गुहार लगाने का प्रसंग आता है। गांव यूनिटी, समझदारी, एकता जो ये होती है गांव में, वो चीज यहाँ पर देखी गई है, ठीक है ना। यह प्रेमचंद गांव में मौजूद विभिन्न प्रवृत्तियों के लोगों का अंकन करते हैं। फिर आगे पंचायत का दृश्य ऐसा खींचा गया मानो पाठक, यानी लोगों के घर घर जाके वो बैठती है, कहती है कि भाई अलगू ने, सॉरी जुम्मन ने मेरे साथ ऐसा किया, पर कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं होता है, तब मजबूर होकर उसको क्या करना पड़ता है, पंचायत का, पंच परमेश्वर का, पंचायत का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। यही इसमें आपको लिखना पड़ेगा, यही आपका परिवेश कहलाता है। तो परिवेश में वही है आपका गांव वाला परिवेश, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। तो इसे देख लीजिएगा, जैसे प्रेमचंद ने लिखा है कि साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होता है, और जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असंभव है, और उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से विकल उठती है। तो जनरली प्रेमचंद एक ऐसे राइटर थे, लेखक थे, जिन्होंने अपने समाज के, अपने देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो बुराइयां हैं, जो क्रूरतियां, उनको उजागर किया। पूस की रात आप ले लीजिए, बिल्कुल सही था, उसमें एक किसान की, गरीब किसान की व्यथा बताई गई थी कि एक ठंड में किस तरह जीवन व्यतीत करता है, खेती किसानी भी करता है। शतरंज के खिलाड़ी ले लीजिए, उसमें एक निकम्बे दो दोस्तों की कहानी बताई गई थी, कितने जिगरी दोस्त थे, पूरा दिन शतरंज खेलते रहते थे, लेकिन लास्ट में क्या किया उन्होंने, जो अपने देश के लिए कुछ ना कर सके, अपने राजा को ना बचा सके, उनके सामने पुलिस लेके चली गई, अंग्रेज लेके चले गए, लेकिन बाद में एक शतरंज के मोहरे, शतरंज में खेलते हुए राजा को बचाने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। तो रियल के राजा के प्रति कोई भी प्यार नहीं था, कोई भी सद्भावना, कोई भी वो नहीं था जागरूकता, लेकिन जो शतरंज का राजा था उसकी उन्होंने जान ले ली एक दूसरे की। तो ये शतरंज खिलाड़ी का था। फिर अब इसमें देख लीजिए आप पंच परमेश्वर में, है ना, तो ये कुछ ना कुछ मैसेज देते रहते हैं, और एक जो विपदा, जो बुराई होती है, जो क्रूरतियां होती हैं समाज में, उन चीजों को उजागर करते रहते हैं, ठीक है, ओके ओके। जुम्मन के शरीर की विशेषताएं बताइए, अब जुम्मन कैसा था, हालांकि क्वेश्चन आएगा, इतना सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछता नहीं है। संरचना शिल्प वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजें आती है, एक भाषा आती है संरचना शिल्प में, दूसरा शैली आती है, इन दोनों से मिलके संरचना शिल्प आपकी होती है। भाषा का मतलब भाषा किस तरह की लिखी गई है। प्रेमचंद का कहना था कि जनरली क्योंकि उर्दू और हिंदी के लेखक थे, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, तो जनरली उनके उसमें कहानी में, नाटक में, उपन्यास में दोनों भाषा आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना, और हिंदी के साथ साथ में उर्दू भी देखने को मिलता है, और
पंच परमेश्वर की भाषा में जो नाटिकता सत्य और सरल संयोजन में एक के बदले हुए विश्व बोध का परिणाम है, यानी भाषा के ढांचे की कहानी उपन्यास और कविता में तोड़ने की समस्या अलग अलग थी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि विश्व को जिस तरह से बांधा जाता है उसी तरह से इन्होंने यहाँ पर भाषा के माध्यम से एक गाँव के परिवेश को वहां पे दिखाया है। साहित्य शैलियों को यहाँ पर उन्होंने कृत्रिम रूप में प्रयोग किया है, ठीक है ना। जनजीवन के प्रयोग में आने वाली भाषा के यहाँ पर उन्होंने उपयोग किया है, क्योंकि गाँव की एक कहानी थी और जनरली जो गाँव में एक भाषा यूज की जाती थी उस भाषा के यहाँ पर उन्होंने यूज किया। आप कह सकते हैं कि सामुदायिकता का सभी की भाषाओं का यहाँ पे यूज किया, जो जनरली सभी लोगों के साथ सभी लोगों के द्वारा जुबान से बोली जाती है, ठीक है ना। अब अलगू जो है वो हिंदू है, जुम्मन एक जो है मुस्लिम है, तो इनकी भी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। तो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में मौजूद दोनों समुदायों की उपस्थिति को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया है, ठीक है ना, राइट। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाषा के बारे में, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं प्रेमचंद की भाषा के संदर्भ में, हलवे पुलाव की बरसासी की गई, रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी, जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों को कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी थी। ये सब चीजें हैं भाषा में यहाँ पे यूज करने लगे थे, ठीक है ना। ओके, तो भाषा का कौशल देखने को बनता है प्रेमचंद का इसमें, जो नई हिंदी कथा भाषा का निर्माण कर रही थी, ठीक है ना, राइट। तो आप कह सकते हैं और प्रेमचंद जिस कथा भाषा के कारण जाने जाते हैं उनकी निर्मित यहाँ पर खास तौर पर देखने को मिलती है। यहाँ देशज मुहावरों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, भाषा में कथन में वचन वक्रता, बोलने की जो एक कला होती है, ठेठ बोली जो गांव की बोली होती, शुद्ध बोली वाणी, उपमाएं झल्लाते हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठना जो गांव की एक होती है, जो जनरली आदमी वर्ड यूज करता है, तो ये आपको भाषा में लिखना पड़ेगा। तो पहला लिखिएगा देशज मुहावरों का प्रयोग हुआ है, देशज शब्दों का प्रयोग हुआ, दूसरा मुहावरों शब्दों का प्रयोग हुआ, तीसरा कथन में यानी बोली में वचन को वक्रता को भी देखा गया, ऊंचा और नीचा, वक्रता का मतलब ऊंचा होता है और नीचा होता है, दोनों चीजें, ठेठ बोली और वाणी वगैरह का यहाँ पे प्रयोग किया गया, कहीं कहीं पे सूक्तियों का भी निर्माण यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। और इन्होंने अपने इसमें भाषा में हिंदी और उर्दू को मिला करके देशज शब्दों का निर्माण किया है जो पाठक के हृदय को स्पर्श करती है, ठीक है ना। ओके, शैली, अब शैली का मतलब क्या हुआ, लिखने की कला, शैली का मतलब क्या होता है, लिखने की कला होता है। तो पंच परमेश्वर रचना की संरचना या शैली एक ही चीज होता, संरचना शैली है, तो परेशान मत होइएगा, वैसी ही है जैसी प्रेमचंद की अन्य सभी कहानियों में होती है, ठीक है ना। विश्वसनीय, रोजमर्रा की बातों से कहानी की स्टार्टिंग करना, कथानक को आगे धीरे तर्क दे करके आगे करके सहयोग के साथ में धीरे धीरे पॉइंट के साथ में आगे बढ़ाते रहना, फिर अचानक कथानक का महत्वपूर्ण घटनाएं सहयोग के सहारे से आगे बढ़ती हैं और घटनाएं जिस रूप में बुनी जाती, जिस रूप में लिखी जाती है, उस बुनावट का कौशल ही प्रेमचंद की कहानियों की विशिष्ट पहचान है, ठीक है, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे शुरुआत भारतीय कथा परंपरा के प्रचलित सहज ढंग से हुई, जुम्मन और अलगू चौधरी की गाढ़ी मित्रता हुई, साझे में खेत थे, लेन देन भी साझा था, एक दूसरे पर विश्वास था, कितना विश्वास था कि कहीं भी जाते थे तो अपना घर एक दूसरे के सहारे छोड़ देते थे, ठीक है, उनका धर्म बस अलग था, सभी चीजें एक थी, ठीक है ना, खास तौर पे सभी चीजें अलग थी, खान पान धर्म, लेकिन जो विचार थे वो मिलते थे, वो था मित्रता का मूल मंत्र, ठीक है ना, राइट। और इन दोनों की मित्रता एक कहानी एक छोटी सी दिखाई दे रही घटना से निर्मित हुई और वो थी जुम्मन शेख की खाला, इनके द्वारा पंचायत बुलाना, पंचायत में अलगू चौधरी का पंच बनकर आना, जुम्मन के खिलाफ फैसला देना, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कहानी में एक वाक्य है जिसे प्रेमचंद ने खाला के मुंह से अलगू को सुनवाया कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, असल वाक में गहरे नैतिक आशय, यही नैतिकता होती है, ठीक है ना, सच का सत्य का ईमानदारी का साथ देना, ये नैतिकता होती है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहानी की सहज संरचना प्रकृति में देशज कथाओं जो हमने ऊपर आपको बताया है भाषा में, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, संवाद मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, संवाद एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट दो ही चीजें आपकी थी, एक तो आपका परिवेश था और भाषा शैली था, कथ्य भी कभी कभी पूछ लेता है। अब प्रतिपाद थोड़ा इसमें देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी मूल्यांकन तो नहीं है, मूल्यांकन को ही सॉरी प्रतिपाद बोलते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कभी कभी बन जाता है, ठीक है ना। तो जो भी आप कहानियां पढ़ रहे हैं उनमें से तीन चीजें रख लीजिए, एक तो प्रतिपाद मूल्यांकन या प्रतिपाद, ठीक है, दूसरा भाषा संरचना शैली, यानी भाषा और शैली उसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना, शिल्प शैली संरचना शैली जो भी कहते हैं, और कभी कभी सार या कथानक पूछ लेता है कथा वस्तु, ठीक है।
क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछने को पूछ सकता है, चरित्र चित्रण भी पूछ सकता है, चरित्र की विशेषताएं पूछ सकता है, तो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। ओके, अब प्रतिपाद्य क्या होता है? ठीक है, प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य में हर बार आप लोगों को जो है इसका मतलब बताती रहती हूँ प्रतिपाद्य का। चलिए यहाँ पे भी प्रतिपाद्य बता देती हूँ कि प्रतिपाद्य का मतलब क्या है, यानी किस उद्देश्य को लेकर के लिखी गई कहानी। जब भी कोई राइटर कोई कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध लिखता है तो एक उद्देश्य होता है उसका, ठीक है ना। मतलब होता है कि जो लेखक, जो राइटर होता है, जो भी वो कहानी, उपन्यास, नॉवेल, जो भी कुछ भी लिखता है, तो उसके द्वारा यानी कहानी के द्वारा लेखक जो संदेश देना चाहता है, ठीक है ना, जो हमें बताना चाहता है, वो प्रतिपाद्य कहलाता है। कहानी का जो लेखक, जो कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहता है, जिस चीज को, जिस उद्देश्य को लेकर वो कहानी लिखता है, वो प्रतिपाद्य कहलाता है, ठीक है ना। तो कहानी को सफल होने के लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कहानी की सफलता उसके उद्देश्य पर निर्भर होती है, उसके प्रतिपाद्य पर निर्भर होती है, ठीक है ना। तो उसका उद्देश्य प्रतिपाद्य क्या था, यानी कि दो दोस्तों की मित्रता, और मित्रता में किस तरह से एक दरार आती है, किस तरह से समस्याएं आती हैं, क्या क्या होता है, और उसके बाद उन समस्याओं का निराकरण करना, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व कर दिया जाता है, और लास्ट में दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो ये प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य को हम कम शब्दों में देखिए, ये कहानी का उद्देश्य। अब यहाँ पे देखिए प्रतिपाद का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना भी है, जो प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन से अंगीकार किए। तो इस कहानी का उद्देश्य मेन क्या था, नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, ठीक है ना, राइट हो गया। और नैतिक गुणों को देखने को भी, मनुष्य में जो नैतिक गुण होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और जनरली प्रेमचंद ने अपनी सभी, चाहे वो कहानी, नॉवल, उपन्यास, कुछ भी हो, सभी में इन चीजों को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है ना। जैसे इस कहानी में खाला द्वारा पूछा गया सवाल, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, असल में गहरा सवाल था, रियल बात है। मनुष्य जो होता है हमेशा पक्षपात करता है, खासतौर पर अपनों को लेकर के, गैरों को लेकर के, ठीक है ना। तो यही सवाल जो है खाला ने किया था, और अलगू को जब पंच बनाया गया तो उसके समझ में आ गया कि दोस्त दोस्त तो होता है, लेकिन जिस जगह पे मैं बैठा हूं उस जगह में दोस्त उससे बड़ा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये भगवान खुदा की जगह है और मुझे सत्य का साथ देना पड़ेगा, और वो सत्य का साथ देता है, ठीक है ना। ओके, इसका आंसर प्रताप का नीचे भी अगर होगा तो देख लेंगे, वरना अदरवाइज आपको पता है कि उद्देश्य क्या है, दो दोस्त को लेकर के, दो चीजों को लेकर के लिखी गई कहानी में प्रतिपाद्य इसका है, ठीक है, मित्रता को लेकर के लिखी गई कहानी। फिर मित्रता ही नहीं होती है, जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे संकट आते हैं, कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उन सभी चीजों को भी इसमें दिखाया गया है। आने में किस तरह जुम्मन के सामने आया, तो अलगू ने सच के सामने बैल को लेकर के प्रॉब्लम आ गई, फिर जुम्मन को पंच चुन लिया गया, फिर जुम्मन ने सोचा मौका अच्छा है बदला लेने का, लेकिन वो भी नहीं ले सका। जैसे ही वो पंच परमेश्वर के पद पे बैठा तो वो भी सत्य का उसने साथ दिया। तो ये चीज है इसका उद्देश्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अन्याय के विरुद्ध सहज न्याय बोध की स्थापना करना, जो अन्याय है उसके विरुद्ध न्याय की स्थापना करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। शीर्षक की उपयुक्तता क्या उतना सही है, जो शीर्षक पंच परमेश्वर रखा गया है, ठीक है ना। तो उस भारतीय विश्वास की याद दिलाता है कि पंचों में ईश्वर का निवास होता है, और सामूहिकता का सम्मान भी इसमें निहित है, यानी पंच यानी पांच लोगों का समूह कभी असत्य का साथ नहीं देगा। हमारे लोक की मानता है कि एक व्यक्ति भले झूठ बोल ले, बेमानी कर ले, किंतु सामूहिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति अकेला झूठ बोल सकता है, लेकिन जब चार लोग सामने आएंगे तो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है, चार लोग उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से शीर्षक जो उपयुक्तता है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ओके, देखिए पंच परमेश्वर कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए, यहाँ पे आ गया है, क्वेश्चन पूछ लिया है। पंच परमेश्वर कहानी की भाषा की विशेषताएं जो ऊपर हम बता के आपको आए गए हैं, और यहाँ पे सारांश आ गया है। तो पंच परमेश्वर जो चैप्टर आपका है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। यहाँ से देख लीजिए आंसर यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। पंच परमेश्वर कहानी के विश्लेषण का गंभीरता से अध्ययन, जैसे पंच परमेश्वर कहानी में पंचायत के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन के सहज सत्य को दर्शाया गया है, तो क्या दिखाया गया है, जो भारतीय ग्रामीण जीवन है उसका जो एक सत्य है, जो सच है, उसको बताया गया है, ठीक है ना। तो यदि कथा वस्तु आता है तो विश्लेषण करने को आता है, तो आप ये एक लाइन उसमें जोड़ सकते हैं। लेखक ने कहानी के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन में ईमान और सच्चाई जैसे उच्च मूल्यों का वर्णन किया है, ठीक है ना। यानी कि सभी ग्रामीणों को ईमानदार, ऊंचे दर्शन वाला मान रहे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां पर विद्यमान है, ठीक है ना।
शैली जो है यथार्थवादी भाषा बोलचाल की हम संवाद। ये जो है हमारा यूनिट फिनिश्ड हो गया है पंच परमेश्वर। अब हम नेक्स्ट यूनिट जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे ईदगाह कहानी का वाचन और व्याख्या यानी 15, और फिर उसी के बाद इसका जो आएगा हम विश्लेषण आएगा, तो 14 और 15 एक वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।